ने टैक्सी बुलाई है? मैंने बुलाई। इट्स वेटिंग। थैंक यू। क्यों? जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, तू जा रहा है मेरे साथ? नहीं, तुझे तेरे घर ड्रॉप करूंगा और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। साले, मैं घर क्यों जाऊंगा? भूल गया, इस कमीने को कुछ प्रॉमिस किया था। ला, तेरी टाई दे। क्यों? दे दो। मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के बाद तुम इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। क्या है ये? चिट्ठी है। तेरे लिए आई है, हंगरी से। कोई फोटोग्राफर है, आंद्रे इस्तेवान। सारे तुम लोगों ने मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी? तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आए। पगला गया साला, तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। एक साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। कहता है तुझे सैलरी भी देगा। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझाओ उनको। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे? इतना महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत थी? आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है, अब तो सर उठाकर फख्र से घूमने के दिन आ रहे हैं और तुम कंजूसी कर रही हो, है? अरे फरहान, फरहान, आज तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैंने किया, मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। अब वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है? मुझे नहीं समझ आती इंजीनियरिंग, बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। अब रांची बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बनके फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है, वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में एसी नहीं लगवाया था, मुझे आराम से सुलाकर वो खुद गर्मी में नहीं सोए थे। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जुमे घुमाने नहीं लेके गए थे, वो सब आपने किया था। अब्बा आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तो उनका पहला नाम तक नहीं पता। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो? बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा, खुदा ना करे राजू जैसे कुछ कर बैठे तो। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना, कुछ मत कहो साहबजादे से वरना छत से कूद पड़ेंगे। नहीं अब्बा, मैं सुसाइड नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। वो जो रांचो ना, जिसे आप शैतान कहते, उसने जबरदस्ती इसमें आपका और अम्मी का फोटो डलवाया। कहने लगा कि रमेश कर, जब ऐसे स्टूपिड ख्याल आएंगे तो ये फोटो को देखने को सोचना कि इस स्माइल का क्या होगा जब ये तुम्हारी उदड़ी में बॉडी देखेंगे। तो पापा, मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूं, पर ये सुसाइड की तलवार आपके सर पर लटका कर रही, क्या होगा? अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, और अब मैं खुश रहूंगा। आई विल बी रियली हैप्पी। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए ना, प्लीज। अब्बा, अब्बा जाइए मत ना प्लीज।
इसे वापस कर देना। बेटे तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का आएगा? इस लैपटॉप के अगेंस्ट आ जाएगा ना? अगर और पैसे लगे तो मांग लेना बेटा। जा बेटे, अपनी जिंदगी छीन ले।